वेलकम टू सरस्वती क्लासेस। आज हम बात करते हैं मैथ के टॉपिक केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, जो कि स्टेटिक्स के अंदर आता है, जिसमें हम बात करते हैं समांतर माध्य की, गुणोत्तर माध्य की, हरात्मक माध्य की, माध्यिका की, बहुलक, इट मीन्स मीन, मीडियन और मोड, जिसमें बात करेंगे अरिथमेटिक मीन की, ज्योमेट्रिक मीन की और हार्मोनिक मीन की। तो स्टार्ट करते हैं अपनी। स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है कि जो नए YouTube पर विजिट बन रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और जो पहले से ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं, प्लीज़ जिन्होंने नोटिफिकेशन बेल को ऑन नहीं किया, वो बेल को ऑन कर लें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें एक या दो क्वेश्चन PRT जो कि हमारा DSSSB का फर्स्ट पेपर है, उसमें हमेशा पूछे जाते हैं। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप सीधे स्टार्ट करते हैं। इसको दो पार्टों में बांटा गया है, एक तो मैथमेटिकल एवरेज और एक एवरेज ऑफ पोजीशन। ठीक है स्टूडेंट, एक गणितीय माध्य है और एक स्थिति माध्य है। इन दो भागों में बांटा गया केंद्रीय प्रवृत्ति की माप को, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को। ठीक है, और मैथमेटिकल एवरेज में हम बात करते हैं समांतर माध्य है, या जिसे अपने औसत भी कहते हैं, एवरेज भी कहते हैं, या अरिथमेटिक मीन। ठीक है, दूसरी बात करते हैं गुणोत्तर माध्य की, जिसे अपने ज्योमेट्रिक मीन कहते हैं, और तीसरी बात करते हैं अपने हरात्मक माध्य, जिसे हार्मोनिक मीन कहते हैं। और सेकंड पार्ट में अपने बात करेंगे माध्यक या माध्यिका, जिसे मीडियन कहते हैं, और दूसरा पार्ट है बहुलक, जिसे मोड कहते हैं। आज अपने इन तीनों की बात करेंगे और इन तीनों पर जितने क्वेश्चन बनते हैं और DSSSB ने जितने क्वेश्चन पूछे हैं उनकी बात करेंगे। सबसे पहले अपने बात करते हैं समांतर माध्य या औसत या अरिथमेटिक मीन होता क्या है। तो आइए देखिए स्टूडेंट, मैंने आपको औसत चैप्टर कराया, औसत मैंने आपको बताया था कि माध्य क्या होता है, हमेशा मिड वाली वैल्यू होती है, और बेसिक सा फॉर्मूला हमेशा लगता है कि राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। ये फॉर्मूला इतना कारगर है, जितने भी आप टफ से टफ सवाल हो, अगर आपको बेसिक पता है तो आप क्वेश्चन आराम से बना सकते हो। ये फॉर्मूला है x1 x2 x3, ये कितने भी आंकड़े हो सकते हैं, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। मान लो ऊपर आंकड़े n थे xn, तो आंकड़ों का योग कर दिया, अब नीचे आंकड़ों की संख्या कितनी थी n। माध्य को अपने x बार से लिखते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये था σxi बटे n। ठीक है, आई का मान चेंज हो रहा है, आई का मान कितना भी लिख सकते हैं, 1 2 3 4 n तक कितना भी जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट, आई का मान। ठीक है, ये तो था असमूहित बंटन के लिए। ये फॉर्मूला किसके लिए है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। ये बेसिक फॉर्मूला है अरिथमेटिक मीन का, ठीक है, समांतर माध्य का, औसत का, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। ये असमूहित बंटन के लिए होता है। अब असमूहित बंटन जो खुले बंटन हो, जिसमें खुली सीधी राशियां दी हों और उनका अपने से औसत पूछा गया हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अपने से पूछा गया हो, कहता है कि 3 4 5 6 8 इनका औसत बताइए, औसत कितना होगा, या माध्य बताइए कितना होगा। ये सीधे खुले आंकड़े दे रखे हैं, इसे असमूहित बंटन कहते हैं। तो इन सबको जोड़ेंगे, जोड़ा राशियां कितनी है, सबसे पहले n का मान 5 है, राशियों का योग देखिए 14 5 19 और 4 23 और 3 26 सॉरी 9 7 और 5 12 12 और 6 18 18 और 24 24 बटे 5। इट मीन्स इसका औसत कितना होगा, 24 बटे 5। अपने कह सकते हैं कि 4.8 इसका एवरेज हो गया है। एवरेज हमेशा मिड में बैठता है स्टूडेंट, हमेशा मध्य में बैठता है एवरेज। ठीक है स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। ये होते हैं असमूहित बंटन और एक होते हैं समूहित बंटन। ठीक है, उससे पहले अपने बात करते हैं मुख्य कोई पॉइंट पर, जो सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायरेक्ट टू डायरेक्ट। कहता है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य कितना होता है, सीधा डायरेक्ट पूछा जाता है। आपको याद होना चाहिए n+1/2 होता है। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य कितना होता है, n1+2। और प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का माध्य कितना होता है, वर्गों का माध्य होता है n+1 × 2n+1/6। उसी प्रकार प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का माध्य कितना होता है, n(n+1)² / 4। ये होता है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का, ये उनके वर्गों का, उसके बाद उनके घनों का माध्य। ये तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, ये आपको आने चाहिए। और सबसे पहले आपने बात की थी प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य कितना था, n(n+1)/2। ये हमारा था क्या, सॉरी इतना था, ये हमारा प्रथम n संख्याओं का, प्राकृतिक संख्याओं का माध्य था। अब प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं में सम भी आती हैं, सम और विषम भी आती हैं। अगर सम का पूछें तो सम का होता है स्टूडेंट n+1 और विषम का होता है ओनली n। ठीक है स्टूडेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूं, अपने देखते हैं 1 2
3, 4, 5, ये प्रथम पांच प्राकृतिक संख्या हैं। ठीक है स्टूडेंट, अपने इसका माध्य निकालें तो कितना आएगा, माध्य हमेशा मिड वैल्यू आती है, 3 आती है। अब देखिए, 2 यहाँ से छोड़ दिया, 2 यहाँ से छोड़ दिया, तो कितना आया, 3। आप इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, एन का मान कितना है, 5, 5 प्लस 1/2, ये कितना है, 6/2, इट मीन्स कितना है, 3। ये प्रथम एन प्राकृतिक संख्या होगा, प्रथम एन, इट मीन्स एक से वो चीज स्टार्ट होनी चाहिए, तभी ये फॉर्मूला काम करता है, इतना तो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद सम के लिए कितना होता है, एन प्लस 1, और विषम के लिए कितना होता है, एन। अपने सम का भी निकाल के देखते हैं, 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, अगर इसका माध्य पूछूं तो माध्य कितना होगा, वैसे नॉर्मली बात क्या होता है, मिड वैल्यू बैठती है, तो मिड वैल्यू कितनी है, 2 यहाँ से छोड़ दी मैंने, 2 यहाँ से छोड़ दिया। ठीक है, तो आया कितना, 6। अगर आप इस फॉर्मूले से निकालना चाहते हो, इस फॉर्मूले से भी निकाल दियो, तो एन का मान कितना है, 5। एन का मान यहाँ रखता हूँ, 5 प्लस 1 कितना है, 6। तो माध्य कितना है, 6। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है सम प्राकृतिक संख्याओं के माध्य के लिए, ये सारे फॉर्मूले दे देगा अपने को। तो फॉर्मूला अपने को बना भी सकते हैं बाय एग्जांपल से, और सीधा अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है। इसी प्रकार ये विषम के लिए लगता है। ठीक है स्टूडेंट, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, असमूहित बंटन की बात कर चुकी हैं, अब अपने बात करते हैं समूहित बंटन के लिए, जिसमें बारंबारता दी होती है। क्या दी होती है, बारंबारता। ये असमूहित बंटन के लिए अपने को बारंबारता दी होगी, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, ये तो सिंपल फॉर्मूला है, अपने को एफ एक्स दिया होगा, ये मैं आपको एग्जांपल कराऊंगा। और दूसरा एक और फॉर्मूला, एक्स बार बराबर ए प्लस एफ डी बटे सिग्मा डी, ये होता है अगर अपने डी कल्पित माध्य मानते हैं। आपने टेंथ में सबने ये चीज़ की होगी, ये अपने लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि पी आर टी का जो फर्स्ट पेपर होता है, टी सी टी का और पी सी टी का जो फर्स्ट पेपर है मैथ के, उसमें कॉमन चीज़ इतनी ज़्यादा टफ नहीं पूछी थी, सिंपल से क्वेश्चन पूछे थे, माध्य बताइए और एक अपने को एक्स एफ का फॉर्मूला दे देगा। ये अपने टीजीटी में आगे बात करेंगे, आगे मैं टीजीटी के लिए वीडियो बनाऊंगा, ये तो कॉमन सबके लिए वीडियो है, सबके लिए इजी वे से पूछा जाता है फर्स्ट पेपर में, ज़्यादा टफ नहीं पूछा जाता। तो अपने को इतना याद रखना है, बस फॉर्मूला याद रखना है, अगर कल्पित माध्य दिया हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, अपने को या तो सिंपल असमूहित बंटन के लिए देगा, या समूहित बंटन के लिए देगा, ये सॉरी ये समूहित बंटन है, असमूहित नहीं, ये समूहित बंटन है, असमूहित वाला तो हो चुका है अपने पास। ठीक है, ये समूहित बंटन है। तो अब क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, अपने पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन मैंने आपको वैसे भी पॉइंट के अंदर बता दिए हैं, कहता है कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का समांतर माध्य कितना होगा, प्रथम 10 विषम संख्याओं का समांतर माध्य कितना होगा। या तो आप इस प्रकार निकाल लीजिए, प्रथम क्या होती है, 1, 3, 5, 7, ये 9, ये 11, ये 13, ये 15, ये 17, ये 19, तो कितनी हो चुकी है, ये 5 और ये 5। ठीक है, इसका समांतर माध्य पूछा है। ठीक है, या तो आप, मैंने आपको कहा है कि हमेशा माध्य बीच में बैठता है, तो इधर से मैंने 5 आंकड़े छोड़ दिए, इधर से मैंने 5 आंकड़े छोड़ दिए, तो बीच में 9 और 11 के बीच में कौन बैठेगा स्टूडेंट, वो बैठेगा 10। ठीक है, अगर आपको ये चीज भी नहीं आती, तो मैंने आपको बताया था प्रथम विषम प्राकृतिक संख्याओं के लिए एक फॉर्मूला लगेगा, कौन सा, n+1। ठीक है स्टूडेंट, प्रथम ये लगेगा, n था, ये तो सम के लिए था, प्रथम विषम प्राकृतिक संख्याओं के लिए फॉर्मूला है n, तो n का मान कितना है स्टूडेंट, 1, 2, 3, 4, ये 10 है, तो आंसर कितना है, 10। अगर आपको ये भी नहीं आता, अगर आप ये भी नहीं करना चाहते, तो इन सबको जोड़ दीजिए, जोड़ के आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, वो वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, उससे भी आंसर आ जाएगा। उसके बाद कहता है कि 8 क्रमागत विषम संख्याओं का माध्य 16 हो तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये मैंने आपको औसत में सब कुछ बता दिया था, A to Z आपको बताया हुआ है। कहता है कि 8 क्रमागत, अपने को पता नहीं है 8 संख्याएं, अपने मान लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। मैंने आपको बताया था कि माध्य हमेशा बीच में बैठता है, तो मैंने 4 रकमों को यहाँ से छोड़ दिया, 4 वैल्यूज को यहाँ से छोड़ दिया। अपने को पता है कि समांतर माध्य कितना है स्टूडेंट, समांतर माध्य प्रथम 8 क्रमागत, प्रथम 8 क्रमागत है। ठीक है, तो समांतर माध्य कितना है स्टूडेंट, अपने को पता है मैंने छोड़ दिया 16, तो बीच में 16 बैठेगा, और संख्याएं कौन सी है, विषम, 16 के बाद क्या आता है, 17, 17 के बाद क्या आएगा, 19, 19 के बाद क्या आएगा, 21, 21 के बाद क्या आएगा, 23, और 16 से पहले क्या आएगा, 15, 15 से पहले क्या आएगा, 13, 13 से पहले क्या आएगा, 11, 11 से पहले क्या आएगा, 9।
तो आप चेक कर सकते हो ये हमारी संख्याएं निकलेगी। अब अगर आप इनका औसत निकालोगे तो 16 ही निकलेगा। मैंने आपको बताया था कि जो एवरेज होती है वो हमेशा मिड में बैठती है। यहाँ से भी मैंने ये फॉर्मूला एवरेज निकाल लिया था और ये वाला भी सेम यही तरीका है। सीधा आपने से एक और क्वेश्चन पूछता है, कहता है कि सबसे छोटी रकम क्या होगी, तो 9। सबसे बड़ी रकम क्या होगी, 23। कहता है कि सबसे बड़ी रकम और सबसे छोटी रकम का अंतर कितना होगा, 23 और 9 का अंतर आप निकाल सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, एक क्वेश्चन मैं आपको और इसी पे करवा देता हूँ ताकि आपको और इजी हो जाए। कहता है कि प्रथम पांच प्राकृतिक, कहता है कि पांच कर्मागत संख्याओं का औसत 23 है, पांच कर्मागत सम संख्याओं का औसत 24 है, तो संख्या बताइए कितनी है। अपने को पता है 1, 2, 3, 4, 5, तो 2 मैंने यहाँ से छोड़ दी, 2 मैंने यहाँ से छोड़ दी, तो बीच वाली क्या होती है, मिड वैली होती है। 24 यहाँ बैठ गया, 26, 28, 22 और 20, ये हमारी वैल्यू निकल चुकी है स्टूडेंट। अगर आपको फिर भी नहीं आता तो आप एक्स वाला तरीका यूज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहता है कि पांच संख्याओं का औसत 18 है, यदि एक संख्या हटा दी जाती है तो औसत 16 हो जाता है, तो हटाई गई संख्याओं का आंसर बताइए। तो ये क्वेश्चन आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताओगे। तो मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, तो यहाँ से अपने 8, 5 संख्याएँ हैं, अपने पास औसत कितने 18, यहाँ से योग बटे संख्या निकलती हैं। ठीक है, अगर संख्या को मल्टीप्लाई करता हूँ 90 आ जाएगा, योग आ जाएगा, एक संख्या निकाल देते हैं तो संख्या कितनी रह जाएंगी, 4। ठीक है, मैं आपको करवा ही देता हूँ तो आप कर भी लेना। तो एक संख्या आपने निकाल दी, ठीक है, 4 रह गया, औसत 16, तो योग आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, ये कितना गया, 16 चौके 64, तो योग आ गया, तो अपने बता सकते हैं तो कितना आया, 90 में से 64 घटाऊंगा तो वो हमारी आंसर आ जाएगा। ठीक है, 90 में से 64 आप सब्सट्रैक्ट करते हैं तो कितना रहेगा, 26 को ऐड करता हूँ तो 26 रहेगा, हमारा जो हटाई गई संख्या है वो 26 है। सबसे पहले मैंने क्या किया, 18 औसत दिया हुआ था और योग बटे संख्या, संख्या कितनी थी 5, तो योग निकाल लिया, 90 आया, तो इक्वेशन पहली योग, पांचों संख्याओं का योग मिल गया मेरे को, जितनी संख्याएं थी सबका योग मिल गया। फिर कहता है कि एक संख्या घटा देता हूँ, संख्या कितनी रहेगी 4, तो औसत 16 रह जाता है, तो फिर मैंने योग निकाल लिया, 16 चौके 64, तो ये 4 संख्याओं का योग 64 है, ये 5 संख्याओं का योग 90 है। इट मीन्स 64 से 90 क्यों बढ़ा, क्योंकि एक संख्या इसमें ज़्यादा है और वो संख्या कौन सी है, 26 है। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को दी हुई है बारंबारता, दी हुई स्टूडेंट समूहित बारंबारता के लिए है। अपने क्या निकालेंगे, फॉर्मूला अपने पास था fx बटे सिग्मा f, तो सिग्मा f, सिग्मा का अर्थ क्या था, सबका जोड़, तो 2 और 4 कितना हुआ, 6 और 5 6 और 5 11 11 और 3 14, तो सिग्मा f का मान कितना गया स्टूडेंट, 14। तो fx निकालना है तो मल्टीप्लाई करना होगा, ये कितना हुआ 6, ये 20, ये कितना हुआ 40, ये कितना हुआ 33। अपने पास अभी fx आया, यहाँ क्या लिखा है, सिग्मा f, सिग्मा f का मतलब क्या है, इनका जोड़, इनको जोड़ा तो कितना है स्टूडेंट, ये 60 60 और 6 66 66 और 33 कितने होते हैं, आई थिंक 99 होते हैं। कैलकुलेशन में थोड़ी गड़बड़ हो सकती है लेकिन करने का वे यही रहेगा। तो सिग्मा f को जोड़ लिया मैंने, 2 और 4 6 6 और 5 11 11 और 3 14, तो मेरे पास फॉर्मूला क्या आ गया, सिग्मा बार का, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ 99 बटे 14, ये हमारा क्या हुआ स्टूडेंट, आंसर। ठीक है स्टूडेंट, आप इनको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, मल्टीप्लाई करना ही होता है। ठीक है, ये थे हमारे क्या स्टूडेंट, समांतर माध्य। ठीक है स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं हम समांतर माध्य में, कुछ और सीधे डायरेक्ट टू डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। कहता है कि यदि x1 x2 x3 और xn का माध्य यदि सिग्मा एफ है, सिग्मा बार है, वो एक्स बार है, तो x1 प्लस लेमडा, x2 प्लस लेमडा, x3 प्लस लेमडा, xn लेमडा का माध्य कितना होगा, तो इसका माध्य होगा x बार बटे लेमडा। अब मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन से समझाता हूँ। कहता है कि यदि 1, 2, 3, 4, 5, कहता है इसका माध्य 3 है, क्योंकि इसका माध्य कितना आएगा, 3 आएगा। कहता है कि सब में एक एक जोड़ देता हूँ, पहले कहता है कि माध्य x है, कहता है कि सब में कोई एक ऐसी अचर राशि जोड़ दी जो समान है, सब में अचर राशि समान जोड़ी है, तो माध्य पर क्या फर्क पड़ेगा, सब में एक जोड़ देता हूँ, इसमें एक जोड़ा था 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, तो
अब हमारा माध्य क्या आया? चार। तीन से क्या हो गया? चार। सब में मैंने क्या जोड़ा था? एक। तो माध्य में भी क्या जुड़ गया? एक। तीन से चार हो गया। ये वाली ये बात कहना चाहते हैं कि पहले जितनी भी राशियां हैं अगर उसका माध्य कुछ ना कुछ तो निकलेगा। यदि कहता है सब में समान राशि जोड़ दी, भले पांच जोड़ता हूँ, भले दस जोड़ता हूँ, भले बारह जोड़ता हूँ, तो माध्य में भी उतनी राशि जुड़ जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार ये कहता है कि दोबारा से क्वेश्चन है, कहता है एक दो तीन, इसका माध्य मेरे को पता है कितना आएगा? माध्य दो आएगा। कहता है कि सबको एक समान राशि से गुना कर रहा हूँ, इसको मैं तीन से गुना कर देता हूँ, इसको किया छः, इसको किया नौ, तो अब मेरे पास माध्य कितना आया? छः। इसको मैंने तीन तीन से मल्टीप्लाई किया है, तो इसको भी मैं तीन से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा? छः। कहता है कि पहले किसी का माध्य निकला होगा, यदि उसको समान राशि से गुना करते हैं तो माध्य में भी समान राशि का गुना करना पड़ेगा। ठीक है, अब फिर एक क्वेश्चन है, कहता है कि एक दो तीन, कहता है इसका माध्य कितना है? दो। तो कहता है यदि उसमें कोई रकम कुछ भी ऐड करते हैं अगर अपनी रकमों के साथ, तो माध्य में भी वही का वही फ़र्क रह जाता है। कहता है पहले मैं इसे दो से मल्टीप्लाई करता हूँ, फिर एक जोड़ता हूँ, तीन आ गया। इसे पहले दो से मल्टीप्लाई करता हूँ, फिर एक जोड़ता हूँ, ये कितना है? पाँच आ गया। पहले इसे दो से मल्टीप्लाई करता हूँ, फिर एक जोड़ता हूँ, ये सात आ गया। तो तीन पाँच सात, अब इसका माध्य मेरे को पता होना चाहिए कितना आएगा? पाँच आएगा। तो ठीक है, अब माध्य कितना? दो से पाँच हुआ। तो मैंने राशियों में क्या किया था? दो का गुना किया था और एक जोड़ा था। माध्य में भी वही करता हूँ, दो का गुना करता हूँ, एक जोड़ता हूँ, तो कितना है? पाँच आ रहा है ना, पाँच। ये डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसा अपने रकमों के साथ करते हैं माध्य के साथ भी वैसा बिहेवियर होता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं स्टूडेंट, गुणोत्तर माध्य या जियोमेट्रिक मीन। ठीक है, आप सब ने गुणोत्तर माध्य पढ़ा होगा छोटी कक्षा में, अपने आज तक दो ही राशियों के लिए पढ़ते हैं कि दो टर्म दी होती है, एक दो तीन चार पाँच सात, कहता है इसका गुणोत्तर माध्य बताइए। उसका फॉर्मूला अपने पास दिया होता है बी स्क्वायर बटे ए सी, अगर बी निकालना है तो ये रूट लग जाता है, रूट का मतलब क्या होता है? हाफ ही होता है, क्योंकि मैंने आपको सर्ड और इंडिसेस कराया, उसमें मैंने आपको बताया कि रूट का मीन क्या होता है? हाफ, किसकी पावर? हाफ होना। तो दो रकमों के लिए, दो वैल्यूज़ के लिए अपने क्या निकालते हैं? इस प्रकार क्या निकालते हैं? गुणोत्तर माध्य। जैसे लास्ट ईयर डी ट्रिपल एस पी टी जी टी के पेपर में, फर्स्ट पेपर में क्वेश्चन आया था, कहता है कि 16 और 64 का गुणोत्तर माध्य कितना होगा, तो अपने को गुणोत्तर माध्य निकालना है। कहता है कि रूट 16 इंटू 64, 16 का रूट क्या निकलता है स्टूडेंट? 4, और 64 का क्या निकलता है? 8। इट मीन्स इसका गुणोत्तर माध्य कितना हुआ स्टूडेंट? 32। ठीक है, आपके लिए क्वेश्चन हमेशा इतना ही पूछा जाता है जो पीआरटी के लिए होता है, लेकिन बाय द वे अगर आपसे दो से ज़्यादा वैल्यूज दी होगी सॉरी, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? X1, X2, X3, X4 और ये चलता जा रहा है X1। अगर दो थी तो अपने पावर 1/2 लिख लिया, जितने भी वैल्यूज होंगी उनको सब की मल्टीप्लाई करो आपस में और उसका पावर जितनी रकम है उतना लिख दो। जैसे यहाँ दो थी तो मैंने दो लिख दिया, अगर तीन का करना है तो 1/3 आ जाएगा, चार का लिखूंगा तो 1/4 आ जाएगा, पाँच का लिखना है तो 1/5 आ जाएगा। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, अब मैं आपको ये क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। कहता है कि तीन, ये जो दो वाला फॉर्मूला बना है ये इसी से बना है, अगर मैं दो मान लेता हूँ X1 X2 तो ऊपर क्या आएगा? 1/2। ये देखिए ये सेम का सेम है, बस आपके लिए स्टैंडर्ड बन जाता है, क्योंकि अपने छोटी कक्षा में आज तक यही पढ़ते हैं, क्योंकि अपने को ज़्यादा जरूरत नहीं होती। तो अगर दो से ज़्यादा रकमें दी हों तो उसका गुणोत्तर माध्य निकालना है, तो इस वे से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब निकाल के दिखाता हूँ आपको। कहता है कि 3, 9, 27, 81, कहता है कि 3, 9, 27, 81 का समांतर माध्य निकाल रहे हैं तो कितनी है? 1, 2, 3, 4, तो 1/4 इसका पावर में लग जाएगा। अब सबकी राशियां क्या हैं? ये 3 है, ये 9 है, 27, तो उसको कैसे सोल्व करें? सबको क्वेश्चन हमेशा ऐसे दिए होते हैं, सबकी आधार सेम बन जाती है। ये 3 है, इसको 3 का स्केयर लिख सकते हैं, इसको 3 का 3 लिख सकते हैं, इसको 3 का 4 लिख सकते हैं, तो 1/4 आधार समान है तो गाते जुड़ जाएंगे। मैंने आपको कराया हुआ है सर्ड इंडिसेस, 1+2+3+4, 1/4, 3, 3, 6, 4, 10, 3 की पावर 10, 1/4, इट मीन्स 3 की पावर 10/4, ये 2 के पार्टिसिपेंट की 5/2, 3 की पावर 5/2, इसका क्या आ गया? गुणोत्तर माध्य आ गया। कितनी भी राशियाँ हो, अब चार राशियाँ थी तो 1/4 रह दिया, अगर 3 होती तो 1/3 लिख देता, अगर 5 होती तो 1/5 लिख देता, अगर 2 होती 3 और 9 तो 1/2 रहता। मान लो सपोज करो 3 और 9 का ज्ञात करना है, 3 और 9 का फॉर्मूला मेरे पास क्या था? 3 इंटू 9, 9 थी 27,
ठीक है, ये 12 सतह 3 × 3 में 12 सतह है, तो इसका समांतर माध्य कितना हो, सॉरी गुणोत्तर माध्य कितना हुआ, √3 × 3। तो अपने इसमें से भी निकाल सकते हैं, सेम 1/2 का मतलब क्या होता है, रूट होता है स्टूडेंट, ये आपके लिए ये फॉर्मूला आता है। उसके बाद ये तो था असमोहित बंटन के लिए, कई बार अगर किस्मत अच्छी ना हो तो वो क्वेश्चन ऐसे दे देता है बारंबारता में, तो इसको करने का तरीका देखिए स्टूडेंट, इसको भी कर सकते हैं, इसको करने का तरीका देखिए, ये होता है हमारे पास, अगर अपने पास बारंबारता दी हो तो स्टूडेंट सॉरी बारंबारता दी हो तो अपने क्या करेंगे, ये एक्स है, एक्स की पावर 5 लिख लेंगे, मल्टीप्लाई ये 4 है, 4 की पावर 4 लिख लेंगे, ये 8 की पावर 3 लिख लेंगे, ये 16 की पावर 2 लिख लेंगे, 32 की पावर 1 लिख लेंगे, ये तो हुआ हमारा मल्टीप्लाई करने का, ठीक है। अब नंबर कितने हैं, वैल्यूज कितनी हैं, तो इनको जोड़ दो, 1 और 2 3, 3 और 3 6 6 और 4 10 5 15, तो 1/15 इसका मान होगा। अगर सीधा असमोहित बंटन दिया होगा तो असमोहित अपने नंबर गिन के बता सकते हैं ये कितने हैं, 1 2 3 4। अगर इस प्रकार बारंबारता के रूप में दिया हो तो अपने इस ये जो x है, x की पावर f लगाते रहेंगे, ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है। अब सबको 2 की पावर में चेंज कर लिए, 2 की पावर 2 गुना ये 2 की पावर 8 बन सकता है, ये 2 की पावर 9 बन सकता है, ये 2 की पावर ये कितना बनेगा 8 बन जाएगा, ये 2 की पावर 5 बन जाएगा, ठीक है, ये 1 की पावर 15 है, तो 5 8 13 13 और 8 कितने होते हैं, 21 21 और 5 26 26 और 9 कितने होते हैं 35, तो 2 की पावर 35/5 इट मीन 7, तो 2 की पावर 7 हमारा आंसर आ गया। अगर किसी को भी किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत है तो या तो आप मुझे मेरे पेज फेसबुक पेज पर मैसेज कर सकते हैं, फॉलो भी कर सकते हैं, इसमें भी मैं अच्छा अच्छा मटेरियल पेश करता हूँ D++SP के लिए, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। ये मेरे फेसबुक पेज का नाम है D++SP Aspirant PRT TGT और PGT। यदि आपको यहाँ भी दिक्कत है तो आप मुझे मेरे WhatsApp कर सकते हो किसी भी सवाल में, 95218 52000 ये मेरा WhatsApp नंबर है, आप इसमें मैसेज कर सकते हो, ठीक है। ये तो था हमारा क्या गुणोत्तर माध्य। अब हरात्मक माध्य की बात करते हैं, हरात्मक माध्य का फॉर्मूला होता है हार्मोनिक मीन, तो 1/1 फिर 1/n 1/x ये हमारा फॉर्मूला होता है हरात्मक माध्य का, आप इसको लिख सकते हैं 1/n × 1/x + 1/x2 1/x3 ये चलता जा रहा है 1/x, ठीक है। ये n क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट, कि कितने नंबरों का अपने हरात्मक माध्य निकाल रहे हैं। और दूसरी बात, इसका जो क्वेश्चन बनता है स्टूडेंट वो दो ही रकमों के लिए बनता है, कि ये दो अपने को वैल्यूज दी होगी तो उसका HM कैसे निकालते हैं, तो स्टूडेंट उसका HM निकालते हैं XY/2, अभी आपको सोल्व करके दिखा देता हूँ, X+Y ये वाला फॉर्मूला है निकालने का, ठीक है स्टूडेंट, दो रकमों के लिए XY 2X+Y, ठीक है। इस फॉर्मूले से भी आप निकाल सकते हो, बस इस फॉर्मूले से मैंने दो रकमों के लिए बनाया क्योंकि दो रकमों के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है स्टूडेंट। अब मैं देखिए 4 और 6 का हरात्मक माध्य बताइए, 4 और 6 का हरात्मक माध्य बताइए, तो ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, आप यहाँ भी पुट करोगे तो भी मान आएगा, 4 × 6/2 × 4+6 तो ये कट चुका है 2 पे, ये कितना है 12 12/10 इट मीन्स 6/5 इसका क्या है, हरात्मक माध्य है। फॉर्मूला क्या होता है, XY 2X+Y ये हरात्मक माध्य का फॉर्मूला होता है, ठीक है स्टूडेंट। अगर आप इस तरीके से करना चाहते हो तो मैं इस तरीके से भी आपको करवा देता हूँ, HM ठीक है, दो रकमें हैं, 1/n का मान कितना, नंबर ऑफ एलिमेंट 2, ठीक है, 1/4 1/6 ठीक है। अब 2 मल्टीप्लाई ऊपर हो चुका है क्योंकि बटे में है तो ऊपर चला गया, नीचे का है 1/4 और 1/6 इनका मैंने एलसीएम लिया तो कितना है 12, ये कितना है स्टूडेंट ये 3 आया, ये कितना आया 2 आया, ठीक है, 12 ऊपर चला गया मल्टीप्लाई होके, ठीक है स्टूडेंट, 2 × 12/5 तो 24/5 आया, यहाँ से कितना आया था स्टूडेंट 6/5, आई थिंक कहीं मिस्टेक की है ये फॉर्मूला, आप इसी से निकाल लीजिए, इसी से ये फॉर्मूला निकल जाएगा, कई बार इसमें दिक्कत हो जाती है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि इसका फॉर्मूला क्या है, अपने फिर भी कोशिश करते हैं इससे बनाने की, फॉर्मूला कैसे बनता है, क्यों 1/2 ये कितना हुआ x2/x1 ठीक है, ये कितना हुआ x1 x2 ठीक है, x1 x2 ऊपर मल्टीप्लाई हुआ,
ये दो भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स वन प्लस एक्स टू, ये वाला फॉर्मूला स्टूडेंट इसका, ठीक है। इसका फॉर्मूला यहाँ मैंने गलत बता दिया, इसका फॉर्मूला होता है टू एक्स वाई प्लस, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है स्टूडेंट। आप इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन अपने करते हैं, अभी देखिए ये वाला क्वेश्चन है, कहता है कि एक दो तीन चार, चार हमारे पास क्या है वैल्यूज़ है, एक बटे चार बटे एक, एक बटे पाँच, एक बटे दस, एक बटे पंद्रह, एक बटे बीस, ठीक है स्टूडेंट। एक एक बटे चार, सबका कितना आया, सबका आया साठ आया एलसीएम, साठ, ये कितना आया बारह, ये कितना आया छः, ये कितना आया चार, ये कितना आया तीन, तो ठीक है साठ इंटू चार ऊपर चले गए, नीचे गया बारह छः अठारह, अठारह और चार बाईस, और बाईस और तीन पच्चीस, तो 120 बटे 25, ठीक है स्टूडेंट। तो ये कट सकते हैं 40 बटे 5, ठीक है, और ये कितना है 8 आ चुका है, 8 हमारा क्या हुआ, आप कर सकते हो 240 बटे 25 आ रहा है, 240 बटे 25 ये कितने पे गया, ये 4 8 8 बटे 48 बटे 5 इसका आंसर आ रहा है, ठीक है स्टूडेंट, 48 बटे 5 इसका आंसर आ रहा है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताइए, धन्यवाद।